अस्सलाम वालेकुम। उम्मीदा करते हैं तुम आज की बेहतरीन हालत में होंगे। दिस इज अली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके मैजिशियन। मैंने बीच में अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट शेयर किए थे जिसपे मैंने ये लिखा था कि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। और ना वो पोस्ट देखने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर अपलोड होगी, हम लोग कैसे देख सकते हैं वगैरह वगैरह। कुछ रूल्स की वजह से हम लोग वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल बरोज 13 जून 2020 शाम को जो है वो उस फेस्टिवल का रिजल्ट आ गया, और आप सबकी दुआओं से, ऊपर वाले के करम से हमारी उसमें सेकंड पोजीशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है वो हम लोग ये वीडियो हर जगह अपलोड कर सकते हैं। तो है ना, आप सबके सामने पेश है फ्रीडम। लेकिन वो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ना वो जो वीडियो थी, जो फेस्टिवल था, उसके कुछ रूल्स थे जो हमको फॉलो करने थे। वो रूल्स है ना, एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमने वो किस तरह शूट किया। पहला रूल का ये था कि चूंकि ये एक ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल था तो हमको उसको एज अ थिएटर की तरह बनाना था, यानी कि थिएटर में जैसे ऑडियंस बैठी होती है, सामने एक्ट हो रहा होता है, हमको इसी तरह कैमरा एक जगह स्टिल रखना था और सामने परफॉर्मेंस होगी। कैमरा जरा भी मूव नहीं होगा, कोई सिनेमेटिक शॉट्स आप लोग नहीं ले सकते हो, कैमरा स्टिल ही रहेगा। पहला इनका रूल। दूसरा रूल कि आपको रॉ फुटेज ही देनी है, यानी कि जो शूट किया हमको वैसा ही देना है, उसमें कोई कलर ग्रेड नहीं हो सकता, कोई ना साउंड की एडिटिंग नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं। जो रॉ आपने शूट किया आपको वही रॉ देना है। तीसरा रूल, आपको वो पूरा वन टेक में लेना है, कहीं पर बीच में कट्स नहीं लग सकते। जाहिर से बात, जब एडिट नहीं हो सकता, एडिट नहीं करना हमको, तो उसमें कट्स भी नहीं लग सकते, हमको पूरा वन टेक लेना है। तो अगर वीडियो के बीच में कहीं से आवाज़ आ गई तीन डब्बे वाले, तो हमको वो है ना दोबारा पूरा रीटेक करना पड़ेगा। सही है, कोई ऑप्शन नहीं था इसके अंदर। तो ये कुछ रूल्स हैं। वीडियो में हमको ना म्यूजिक वगैरह भी डालना था, तो वो उसका हमने ये जुगाड़ निकाला कि ना फोन में हमने ना म्यूजिक प्ले करके उसको कैमरा के पास रख दिया, ताकि ना कैमरा में म्यूजिक की आवाज़ भी साथ साथ आती रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमको फॉलो करनी थी। उसके बाद हमने वो वीडियो शूट की थी अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन आई आपके भाई की, सही है। और उसमें मैंने एज ए DOP का काम किया था। तो आप लोग वो वीडियो देखें और फिर ना नीचे कमेंट्स में आपको बताना कि आपको वो काम कैसा लगा, वो वीडियो कैसी लगी। तो पेश है फ्रीडम।
नगमों की लहपे कैद बस एक ख्याल है। तो ये थी वो वीडियो जिसको लिखा था और डायरेक्ट किया था चांद अमीर अली ने। इसकी आर्ट डायरेक्टर थी सुनीता अमीर अली। इसका डीओपी था आपका भाई यानी कि मैं, और असिस्टेंट डीओपी थी इनारा असलम। हम सबकी ये मेहनत थी, हम सब ने मिलकर इसमें मेहनत की थी, तो मैं अपनी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ और वो भी मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं। सही है, मतलब सबकी मिलकर मेहनत थी। और इंशाल्लाह आगे और भी फेस्टिवल जाएंगे हम लोग ना, उसमें भी हिस्सा लेंगे और ना आप सब दुआएं करते रहें कि हम लोग वो भी जीतते रहें और ना आप लोगों को दिखाते रहें। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पेज को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फेसबुक पे तुम लाइक करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट छोड़ के।